झुंझुनू के पचेरी किला से बड़ी खबर मिल रही है। करीब 2500 किलोमीटर दूर से अवैध गांजा लेकर पहुंचे एक तस्कर को झुंझुनू की पचेरी किला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई DST झुंझुनू तथा जयपुर की CIDCB टीम की संयुक्त तथा जयपुर की CIDCB की टीम ने की है। दरअसल गांजा तस्कर कई दिनों से CIDCB की रडार पर था, जिसका पीछा करते जयपुर की CIDCB की टीम झुंझुनू तक पहुंच गई और आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक मारी गांव आसाम निवासी 33 वर्षीय अमित सुतारधर को काफी दिनों से गांजा तस्कर का काम कर रहा था, जिसे गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से 55 किलो गांजा बरामद किया गया है, जो उदयपुर वाटी के इलाके में सप्लाई करनी थी। कल दिनांक 23/7/2022 को शिवदास जी के हिसाब से ITC जयपुर से इतना मिली थी कि हरियाणा पर नानोर साइड से गजराज लिखा हुआ एक प्राइवेट बस आ रही है। उस बस में एक व्यक्ति है जिसके पास अवैध मादक पदार्थ होने की सूचना है। इस सूचना पर थाने के सामने DST टीम थानाधिकारी द्वारा नाकाबंदी करवाई गई। 7:30 गजराज लिखी हुई प्राइवेट बस आई, उसको रोका, उसको तलाशी ली गई। उसमें से अमित सूत्रधार, सनम अर्जुन सूत्रधार, जाति पंजाबी हिंदू।